नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी श्रोतागण को इस ऑडियो बुक पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब मैं नास्तिक की हूं एवं अन्य लेख जो कि भगत सिंह जी का एक लेखों का संकलन है, उस उपन्यास को हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और इसी क्रम में हम लोग आज अध्याय 9 को सुनने जा रहे हैं। अब तक हमने कुल 8 अध्याय कम्प्लीट कर लिए हैं और आज का जो अध्याय है, अध्याय 9, उसका शीर्षक है विद्यार्थी और राजनीति। ये लेख हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो मुद्दा है हम सभी के मन में द्वंद्व चला रहता है कि क्या विद्यार्थी को राजनीति में उतरना चाहिए या राजनीति करना चाहिए, या कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर रहो। तो क्या मानना है इसमें, भगत सिंह जी क्या सोचते हैं और इनका क्या विचार है, उसको समझेंगे, सुनेंगे और अपने ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं। देखिए, इस महत्वपूर्ण राजनीतिक मसले पर यह लेख जुलाई 1928 में कृति में छपा था। उन दिनों अनेक नेता विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा ना लेने की सलाह देते थे, जिनके जवाब में यह लेख बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख संपादकीय विचारों में छपा था और संभवतः भगत सिंह का लिखा हुआ है। तो लेख की शुरुआत यहाँ से होती है कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान यानी कि विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लें। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिकल कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ, पॉलिटिकली बैकवर्ड कहा जाता है। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम किए हैं? क्या पंजाब ने मुसीबतें कम झेली हैं? फिर क्या कारण है कि हम सब इस मैदान में सबसे पीछे हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यही है कि हमारा शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है और विद्यार्थी युवा जगत के अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने का सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम जानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उन्हें सुधार सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाती है। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इससे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी एक सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू यंग प्रिंस क्रॉपटकिन, नौजवानों के नाम अपील प्रिंस क्रॉपटकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोल पड़ा, प्रिंस क्रॉपटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस भी पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी। कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस भी पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी। कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। देखिए अब प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है? ऐसी स्थिति में वो नौजवान क्या सीख सकते हैं? दूसरी बात यही है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ?
क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देशों के प्रबंध में संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। तो फिर यह पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का होगा। क्या विद्यार्थियों को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? हम तो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू शासन कर रहे हैं, तब तक वफादारी करने वाले वफादार नहीं बल्कि गद्दार हैं, इंसान नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं। तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े? सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय देश सेवकों की ज़रूरत है, जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसी आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोग में से ऐसे लोग निकल सकेंगे? या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घंटा ना लगाया हो। क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते थे जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह के परितोली वाले की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? देखते हैं उनकी तुलना में पंजाब का विश्वविद्यालय कितना योग्य आदमी पैदा करता है। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें क्रांति की ज़रूरत है। वे पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़ें और अपने जीवन को इसी काम में लगा दें, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें, वरना बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। ये थी भगत सिंह जी के द्वारा विद्यार्थी और राजनीति के बीच संबंध पे लेख। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको ध्यानपूर्वक सुने होंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में विद्यार्थी को राजनीति से दूर होना चाहिए, या पढ़ाई करते करते राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, या राजनीति करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, जय बिहार।